गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा लेसन नंबर 4 के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, और कल हमने मानसून किस प्रकार से आता है, किस महीने में आता है और कहां कहां पर कितनी वर्षा होती है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे मानसून की वापसी के बारे में। तो आज का पॉइंट ये हमारा मानसून की वापसी। तो जिस प्रकार से कल अध्ययन किया था कि मानसून जो है वो जून महीने में मानसून का आगमन होता है और यह सितंबर के महीने तक, यानी कि इस समय में देखें तो भारत में व्यापक मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है, बारिश देखने को मिलती है। सितंबर माह के लगभग धीरे धीरे मानसून की वापसी का दौर शुरू हो जाता है, जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक यदि देखें धीरे धीरे मानसून की वापसी हो जाती है। तो भारत के मानसून की बात करें या भारतीय वर्षा की बात करें कि भारतीय वर्षा अनियमित और अनिश्चित है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कई बार बिल्कुल कम बारिश होती है। तो इतना कोई जरूरी नहीं है कि पिछले साल जितनी वर्षा हुई उतनी वर्षा आगे भी होगी। तो भारतीय मानसून या कहें भारतीय वर्षा इस प्रकार की है, नियमित और अनिश्चित। कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कई बार बहुत कम। तो मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, क्रम के अनुसार इसकी वापसी होती है मानसून की, जो कि भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से, उत्तरी पश्चिमी जो भारत के राज्य हैं वहाँ पर यदि देखें सितंबर माह में या सितंबर माह से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप या भारत के उत्तरी भाग से पूरी तरीके से पीछे हट जाता है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से भी मानसून की वापसी हो जाती है। तो एक प्रकार से जून माह में मानसून का भारत में आना और सितंबर माह से मेरी मानसून की वापसी या मानसून का जाना, ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। द्वीपों की बात करें जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हमारे द्वीप स्थित हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो मानसून की जो सबसे पहली बारिश होती है पूरे भारत में यदि देखें तो वो कहाँ पर होती है, द्वीपों पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह पर जो मानसून की सबसे पहली बारिश होती है। एक नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में सबसे पहले मानसून की वर्षा कहाँ पर होती है, तो आंसर होगा द्वीपों पर। इसके बाद अब अध्ययन करेंगे ऋतुओं के बारे में कि भारत में कितनी ऋतुएं हैं। तो पिछली कक्षाओं में जब आपने अध्ययन किया होगा तो निश्चित रूप से आपने 6 ऋतुओं के बारे में पढ़ा होगा, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर। कुल मिला के 6 ऋतुएं। ऋतुएं कितनी होती है, षड ऋतु, 6 ऋतु। लेकिन 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऋतु का टॉपिक दिया है उसमें केवल 4 प्रमुख है समय जो है उनके बारे में चर्चा की गई है। तो ये जो आज का पॉइंट है हमारा ऋतुएं वैसे तो कितनी है, 6 ऋतु है, 6 के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग केवल 4 प्रमुख समय या 4 ऋतु के बारे में ही बताया है। इसमें जो सबसे पहला है वो है शीत ऋतु, उसके बाद है दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा जो समय दिया गया है ऋतु के हिसाब से मानसून का आगमन, और चौथा जो है मानसून की वापसी। तो यहां पर इन 4 ऋतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून का आगमन और मानसून की वापसी। बिल्कुल इसी सा है, चारों के नाम भी याद हो जाते हैं।
मानसून का जाना, मानसून आगमन और मानसून वापसी। तो मानसून आगमन और वापसी के बारे में तो हम व्यापक मात्रा में चर्चा कर चुके हैं। अब हम पहली जो ऋतु है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, शीत ऋतु के बारे में। और शीत ऋतु का नाम याद आते ही प्राय नवंबर दिसंबर के या जनवरी फरवरी के जो महीने होते हैं वो हमें याद आ जाते हैं। तो शीत ऋतु, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर के लगभग फरवरी के महीने तक यह रहती है उत्तरी भारत में। और इस दौरान उत्तरी भारत का तापमान काफी कम हो जाता है दक्षिण भारत की अपेक्षा। यानी मैप के माध्यम से देखें उत्तर और दक्षिण, तापमान की बात करें तो दक्षिण भारत का जो तापमान है वह कम रहता है, ज्यादा, और उत्तर भारत का तापमान कम, क्योंकि तापमान कम होगा तो सीधी सी बात है सर्दी ज्यादा होगी। और तापमान यदि ज्यादा होगा तो एक स्वाभाविक सी बात है, जब तापमान बढ़ता है तो उस क्षेत्र में गर्मी भी बढ़ती है। जैसे राजस्थान में मुख्य तौर पर पश्चिमी राजस्थान में गर्मियों का तापमान 45-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो उस समय गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है पश्चिमी राजस्थान में। तो तापमान की बात करें, जब हम दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं तो तापमान जो है वो ऊपर जाकर के कम हो जाता है, जबकि हम इस प्रकार चलते हैं तो तापमान जो है वो बढ़ता है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में उत्तर भारत का तापमान कम रहता है दक्षिण भारत की अपेक्षा। तो यही आपकी बुक में भी लिख रखा है निश्चित रूप से, ज्यादा लाइनों के माध्यम से, लेकिन आपको शॉर्ट रूप में यहाँ पर मैप के माध्यम से बताया गया है कि तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है या कम होता है। उदाहरण के अनुसार चेन्नई की बात करें तो चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है शीत ऋतु के दौरान, जबकि इस समय हिमालय के उत्तरी या ऊपरी ढाल पर हिमपात होता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र जो है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, यहाँ पर यदि देखें धनुष की आकृति में हिमालय पर्वत स्थित है। इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, भारत के 6 भौतिक प्रदेशों के बारे में जब हमने अध्ययन किया था। तो शीत ऋतु में हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ जमा हो जाती है, या कहीं भारी रूप में हिमपात इन क्षेत्रों में होता है, बर्फ जो है वो गिरती है शीत ऋतु में, क्योंकि तापमान जो है वो बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी ही व्यापारिक पवने जो है वो इस समय चलती है, और ये स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती है। इन पवनों के कारण तमिलनाडु के तट पर हल्की वर्षा होती है, और तमिलनाडु में ही वर्षा क्यों होती है क्योंकि वहां पर पवने समुद्र से स्थल की ओर चलती है, लेकिन बाकी भारत की बात करें तो वहां पर स्थल से समुद्र की ओर, लेकिन तमिलनाडु में समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसी के कारण से वहां पर हल्की बारिश होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा मावठ। अगला पॉइंट है बेटा मावठ। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहते हैं। मुख्य रूप से जो मध्य सागरीय चक्रवात है उन चक्रवातों के कारण उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का वहां पर व्यापक मात्रा में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं मावठ। गेहूं की फसल के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक होती है, या कहें मावठ जो है ये रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है।
ठीक है। और मुख्य रूप से ये जो वर्षा होती है, ये वर्षा कब होती है? तो ये वर्षा मुख्य तौर पर सर्दियों के मौसम में ये वर्षा होती है। इसके बाद है अगला टॉपिक है हमारा ग्रीष्म ऋतु। गर्मी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से तापमान की बात जो है वो हमारे दिमाग में आती है कि गर्मियों में जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता रहता है। ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। तो महीने की बात करें तो मार्च से और मई तक का जो समय रहता है, कई बार यदि देखें ये हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि जून में जो है मानसून का आगमन हो जाता है, मानसून की शुरुआत हो जाती है। तो गर्मियों का जो समय है वो मार्च से लेकर के मई तक का समय है भारत में। इस दौरान भयंकर गर्मी पड़ती है, धूल भरी हवाएं चलती है और तापमान जो है गर्मियों का यदि देखिए अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग तापमान देखने को मिलता है, अलग अलग राज्यों का तापमान अलग अलग देखने को मिलता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि अप्रैल में गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग पहुंच जाता है। प्रायद्वीप या भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है, जबकि देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान अधिक होता है। इसके बाद अध्ययन करेंगे हम लू के बारे में, क्योंकि गर्मियों में जो धूल भरी हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लू कहते हैं। और मुख्य तौर पर जो माता पिता होते हैं वो ये कहते हैं बेटा गर्मी है और बाहर लू चल रही है तो आप बाहर मत जाइए क्योंकि लू लग जाएगी। तो एक छती भी उठानी पड़ती है इससे, और अधिकांश जब लू चलती है तो लोग घरों में ही रहते हैं उस समय। तो लू जो है ये धूल भरी वह गर्म और शुष्क हवाएं होती है जो कि ग्रीष्म काल में दिन के समय में भारत के उत्तर व उत्तरी पश्चिमी जो राज्य है वहां पर चलती है। राजस्थान में मुख्य रूप से इसे लू कहते हैं। इसके बाद वैशाख माह में पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है जिसे काल वैसाखी हवाएं भी कहते हैं। काल वैसाखी की बात आए तो स्टेट का नाम याद होना चाहिए निश्चित रूप से, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, वहां पर जो तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती है तो पश्चिम बंगाल में इन्हें काल वैसाखी हवाएं कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में केरल और कर्नाटक में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा जो है या मैंगो सावर, आम वर्षा कहां पर होती है? कर्नाटक में और केरल में। कब होती है ये वर्षा? ग्रीष्म ऋतु में। और आम्र वर्षा या मैंगो सावर कह देते हैं क्योंकि वहां पर जो आम की खेती होती है तो आम उस समय पकने की स्थिति में होते हैं और आम्र वर्षा के कारण से आम जो है वो जल्दी पक जाते हैं, इसलिए बहुत लाभदायक वर्षा है। आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? कर्नाटक में और केरल में। लाभदायक क्यों है? क्योंकि आम जो है इन राज्यों में ज़्यादा पैदा होता है और आम जो है वो इस वर्षा के कारण पक जाता है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। तो आज इतना ही अध्ययन करेंगे। मानसून के अंतर्गत हमने मानसून की परिभाषा, मानसून का आगमन, मानसून की वापसी, ग्रीष्म ऋतु और उसके बाद हमने एक सर्द ऋतु के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद आगे अध्ययन हम कल करेंगे। जो भी नोट्स है वो पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर दिए जाएंगे, इनको आप एचडब्ल्यू की कॉपी में नोट करेंगे। धन्यवाद।